और मैं 7 घंटे से आप लोग को देख रहा हूं कि जिस चेयर को आप लोगों ने पकड़ा था स्टार्टिंग में, लगातार 7 घंटे से यहां पर बैठे हुए हैं। आपके पेशेंस को देखते हुए मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई डायमंड बने या ना बने, कोई करोड़पति बने या ना बने, लेकिन फाइटर्स जो यहां पर आज 7 घंटे से बैठा हुआ, हर फाइटर्स आगे आने वाले दिनों का करोड़पति है, डायमंड है, ये मुझे आज आप लोगों में दिखाई दिया है फाइटर। थैंक यू सो मच। बोला जाता है कि किसान जब धान का बीज एक बोरी में लाता है और अपने खेतों में बोता है, तो किसान को पहले पता होता है कि इस बीज से कितने फसल निकलेंगे, राइट? यस। जब किसान अपने फसल को बोरी में लाता है तो पहले वो सोच लेता है कि इस बीज से इतने फसल निकलेंगे कि ट्रक से भर भर के ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आज से पहले जितने भी लीडर यहां पर आए, आपके बीच अवधेश नारायण जी आए थे, आप लोगों ने उनको सुना, परनो पांडे जी को सुना, कृष्णा जी, जितेंद्र मौर्या जी, विनोद सोनी जी, जितने भी अपने अपने ब्लैक डायमंड को सुना, और अपने लीडर को आप लोगों ने, पर लीडर का प्रमोशन आप लोगों ने देखा, तो फाइटर्स मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जितने भी लीडर जब स्टार्टिंग में आए थे, अवधेश नारायण सर जब स्टार्ट किए थे हमारे साथ, हम लोगों ने बाइक से जा के काम को किया है। बनारस से अपना 2-व्हीलर उठाते थे, सैदपुर और गाजीपुर जाके मीटिंग किया करते थे। आपके बीच परनो पांडे जी, जितेंद्र मौर्या जी के साथ ना जाने में कितने बार बहुत छोटे छोटे जगहों पर मैं प्लान दिया, और उस समय हम एक ही बात किया करते थे कि सर आज हम लोग एक छोटे छोटे साइबर कैफे में बैठ के प्लान दे रहे हैं। बनारस की पतली पतली गलियों से हम लोग क्रॉस किया करते थे, कभी कभी तो हमारे डाउनलाइन हमारी कार को ऐसे ले जाते थे जैसे किसी अपलाइन का कार होता है, अभी ऐसा होता है, डाउनलाइन को ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन अगर हमारे डाउनलाइन पर के पास चला जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो बोलते थे बस सर थोड़ा सा और अंदर ले जाना है, फिर बोलते थे थोड़ा सा और ले जाना है। पता चलता था कि हम इतनी संकीर्ण गली में चले जाते थे कि गाड़ी को वापस लाना मुश्किल होता था। लेकिन दोस्तों, उस समय हम लोग बात किया करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम इंडिया के सबसे बड़े ऑडिटोरियम को फुल करेंगे, और उसी दिन हम समझ गए थे कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग मिलके इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग जब आए थे तो हमारे साथ फ्रेशर थे, ये आए थे तो नए थे, लेकिन दोस्तों हमें पता था कि आगे आने वाले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के एक बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे। और दोस्तों, आज ये अपलाइन आपके सामने है, और मैं बोल सकता हूं कि आज वही दिन आपका है जो काम हमने आज से लगभग 7 साल पहले मैं और अमित दुबे सर बनारस की गलियों से स्टार्ट किया था, आज इंडिया के कोने कोने में AWPL का डंका बजता है। दोस्तों, आज यहां पर 3,500 के बीच बैठे हुए, हो सकता है आज आपका रैंक ब्रॉन्ज होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, लेकिन फाइटर रहना, क्योंकि ये 7 घंटे का पेशेंस बताती है कि जो इंसान 7 घंटे टिक सकता है वो इंसान अगले 7 साल भी टिक सकता है। और दोस्तों, अगर 7 साल आप कंटिन्यू इसी पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आज आप 2-व्हीलर पर घूमते होंगे जैसे आप आज आपके अपलाइन के पास ऑडी, BMW, मर्सिडीज,
पोर्चे जैसी गाड़ियां हैं, अगले 7 साल बाद ये लग्जरी कार आप चला रहे होंगे, गारंटी है। अगले 7 साल बाद आपके नाम के आगे भी डायमंड लगेगा, क्योंकि बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपके इंजन मजबूत है तो आगे भी आपका इंजन मजबूत है और पीछे भी सब कुछ बेटर है। आप केवल चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। अगर किसी व्यक्ति का मंजिल है, सपोज कीजिए आप घर से चले थे, कुछ फाइटर्स बिहार से चले, कुछ यूपी एमपी और झारखंड से सबसे ज्यादा फाइटर्स यहां पर, राइट? यस। आपका लक्ष्य क्या था? आपका लक्ष्य था दिल्ली के ताल कटोरा ऑडिटोरियम में पहुंचना, राइट? जब वहां से आप चले और चलने के बाद आप चलते गए, आप ब्रेक नहीं दिए, तो हर फाइटर्स दिल्ली के ताल कटोरा ऑडिटोरियम में पहुंचा। किसी को हो सकता है 10 घंटे लगा होगा, किसी को 12 घंटे लगा होगा, किसी को 14 घंटे लगा होगा, लेकिन हर फाइटर्स चला तो यहां पर पहुंचा, राइट? ये जो मंजिल है ये 10 घंटे का है, 10 घंटे का था आपका लक्ष्य। डायमंड सीप वैसे ही 5 साल का लक्ष्य होता है। अगले 5 साल तक आप रुकना नहीं, जो अपलाइन बोलता है, जो सिस्टम बोलता है, आप फॉलो करते जाना। दोस्तों जो अचीवमेंट आज इनके पास है वो आपके पास रहेगी, ये गारंटी है दोस्तों। दोस्तों मैं आगे बोलने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी एमडी एंड सीईओ, जिन्होंने आज अगर देखा जाए फाइटर्स तो AWPL से पहले भी हमने 8 साल स्ट्रगल किया, 8 साल संघर्ष किया, लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया गया था तो हमारे सपने बहुत बड़े थे, हमारे ड्रीम बहुत बड़े थे। और मेहनत की बात किया जाए, स्ट्रगल की बात किया जाए, तो दोस्तों हम लोग 20 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे स्ट्रगल करने वाले लोग थे। लेकिन दोस्तों 2016 से पहले भी 8 साल मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन दोस्तों SKPA जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था केवल मेहनत करने से, संघर्ष करने से या एजुकेशन से सफलता नहीं मिलती है, क्लियर है। लेकिन दोस्तों जो संघर्ष, जो स्ट्रगल 2016 से पहले हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पर किया, आज अगर देखा जाए तो सेम वही संघर्ष, वही स्ट्रगल आज 7 साल AWPL प्लेटफॉर्म पर किया। पहले हमने 8 साल मेहनत किया, 8 साल में 80 लाख कमाया, और दोस्तों वही मेहनत 7 साल AWPL में किया और आज यहां से 25 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। तो आज जो भी है, चाहे हमारे पास है, चाहे किसी भी लीडर के पास है, दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पीछे दुनिया का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है AWPL। और मैं चाहूंगा कि AWPL के रचयिता हमारे कंपनी MD एंड CEO संजीव सर के लिए अभी तक की सबसे जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार। हमें लगना चाहिए कि हम ताल कटोरा के अंदर बैठे हुए हैं और MD सर के लिए तालियां बज रही है। थैंक यू दोस्तों। आज जिस भी किसी इंसान की जिंदगी बदल रही है, पीछे रीजन है संजीव सर का विजन, संजीव सर का सोच और AWPL प्लेटफॉर्म। अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी इंसान की अगर बात किया जाए, कोई भी इंसान जिंदगी में कामयाब होता है तो राइट गुरु के कारण, और नाकामयाब होता है तो रॉन्ग गुरु के कारण। आज SKPS में करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है, लग्जरी कार अचीवरों की लाइन लगे हुए हैं, या आज हम प्राउड के साथ बोलते हैं कि
ऑल ओवर इंडिया की सबसे मजबूत टीम किसी के पास है तो दोस्तों अपने पास है। और दोस्तों इस टीम को जो मार्गदर्शन दिए हैं, मैं बोल सकता हूं वो इंडिया नहीं, वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे गुरु हैं। मैं चाहूंगा कि महिपाल सर के लिए अभी तक के सबसे जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जब ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे हमारे मेंटर हैं, तो दोस्तों आप केवल इन पर विश्वास करना, भरोसा करना, जो आज हमारे पास है कल आपके पास आने वाली है। आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है। नो डाउट आपको इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, नो डाउट आपको इंडिया के सबसे अच्छे मेंटर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन दोस्तों कुछ बातों को आपको समझना जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्रीज में आते हैं और आने के बाद इस इंडस्ट्रीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब अपलाइन के अचीवमेंट को देखते हैं, अपलाइन के सक्सेस को देखते हैं, तो उनको लगता है कि रातों रात यहां से करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज आ जाएगी। ऐसा नहीं है। दुनिया का हर बिजनेस जिस मॉडल के साथ चलता है, डायरेक्ट सेलिंग भी उसी मॉडल के साथ चलता है। अगर आपको ये WPL जैसा प्लेटफॉर्म मिला तो सबसे पहले आपको यहां पर सीखना पड़ेगा, आपको अपना धंधा समझना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस क्या है। देन दूसरा, आपको टिकना पड़ेगा। क्या होता है, आप एक चीज समझिए, कुछ लीडर यहां पर आते हैं, एक साल मेहनत करते हैं, दो साल मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती। सफलता नहीं मिलने के बाद वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सिक्के को देखते होंगे, सिक्के को ऐसा होता है कि जब 5 या 10 बार उछाला जाता है तो हो सकता है 8 बार हेड आए, 2 बार टेल आए, राइट? Yes. लेकिन वही सिक्के को 10,000 बार उछाला जाता है तो समथिंग 5,000 हेड 5,000 टेल आता है। यानी एक बात आपको समझना जरूरी है कि 2 साल काम करने के बाद, 3 साल काम करने के बाद किसी का सक्सेस या अनसक्सेस का एनालाइज नहीं किया जा सकता। आपको अगर यहां डायमंड बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, ब्लैक डायमंड बनना है, तो सबसे पहले आप यह सोचिए कि मुझे यहां पर कम से कम 5 साल नॉन स्टॉप वर्क करना, नॉन स्टॉप। आप 5 साल के बाद आप देखिए कि आपका अचीवमेंट क्या आया, मेहनत क्या हुआ, तो लगभग सभी लोगों का बराबर होगा। क्या है, आप समझिए, हर किसी का मंजिल क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनना, राइट? Yes. आप किस लिए आए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले पहला टारगेट हर लीडर का होता है डायमंड बनना, राइट? डायमंड। मैं बोलता हूं कि अगर एक लीडर डायमंड बन गया तो ब्लू डायमंड भी बनेगा, अगर छोड़ के नहीं भागा ब्लैक डायमंड भी बनेगा। मान लीजिए किसी को डायमंड बनने में 5 साल लगा तो अगले 10 साल बाद ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, राइट? किसी को डायमंड बनने में 10 साल लगा तो अगले और 10 साल बाद ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। यानी एक डायमंड जो 5 साल में बना, 15 साल में ब्रांड एम्बेसडर बना, और जो डायमंड 10 साल में बना वो 20 साल में ब्रांड एम्बेसडर बना, राइट? लेकिन अगले 5 साल बाद दोनों किस लेवल पर होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपको AWPL का प्लेटफॉर्म मिला, आप छोड़ते नहीं, आप टिके रहते हो, तो दोस्तों आज 2023 है, कोई यहां पर ब्रांड एम्बेसडर 2035 में बन जाएगा, कोई 40 में बनेगा, कोई 2045 में बनेगा, लेकिन हो सकता है आज आप मिडिल क्लास फैमिली से आए होंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आप AWPL से करोड़पति नहीं, अरबपति बनेगे दोस्त, क्योंकि AWPL अरबपति बनाने का प्लेटफॉर्म है। और दुनिया का सबसे बेस्ट काम है डायरेक्ट सेलिंग में काम करना, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिडिल क्लास लोगों को ऑडी पर लाता है,
जो मिडिल क्लास लोग को मर्सिडीज पर लाता है। मुझे बताइए, जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो काम जब स्टार्ट किया था तो यहां पर आप जितने भी अचीवर को आप देख रहे हो दोस्तों बाइक से आया करते थे। सर ने बोला कि जब जितेंद्र मौर्या जी बैठे हुए थे तो इनके गाड़ी का ईएमआई नहीं जा रहा था, आंखों में आंसू आ गया, राइट? यानी आप सोचिए कि यहां कोई भी लीडर, कोई सेलिब्रिटी के घर में पैदा नहीं हुआ, कोई बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा नहीं हुआ। हर व्यक्ति, मैक्सिमम मैं बोलता हूं कि 99% लोग इस इंडस्ट्रीज में एक गरीब घर से आते, एक लोअर तबके से आते, राइट या रॉन्ग? आप मुझे एक चीज बताइए, अरे कोई कितना भी पैसा कमा ले वो अपने लिए पैसा कमाता है, लेकिन आज आप बताइए कि जब ये लोग बाइक से आए थे आज वोल्वो मेंटेन करते हैं, आज मर्सिडीज मेंटेन करते हैं, आज ऑडी मेंटेन करते हैं। और दोस्तों इनके घर वाले, इनके परिवार वाले जो दुआ देते होंगे, क्या इससे बड़ा कोई धर्म का काम दुनिया में हो सकता है? मेरी बात समझ आ रही है? तो आप इस चीज को समझिए कि दुनिया में इससे बेटर काम कोई नहीं है जो कि एक आम आदमी को करोड़पति बनाता है, एक आम आदमी को अरबपति बनाता है। तो दोस्तों जब इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, आपने जो भी टीम बनाया है, आज आपने 20 का टीम बनाया है, 50 का बनाया है, 100 का बनाया है, लेकिन जो लोग आपको देख के अपना फ्यूचर लगाए हैं, जो लोग आपको देख के डायमंड बनना चाहते हैं, इनका साथ मत छोड़ना। और जब ये लोग सक्सेस होंगे तो इससे बड़ी अचीवमेंट दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सबसे बड़ा धर्म का काम डायरेक्ट सेलिंग में काम करना और डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को कामयाब करना। कुछ बातें और आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर बड़ी कामयाबी आप चाहते हो, बड़ा सक्सेस आप चाहते हो, तो फाइटर्स आप एक गुरु को जरूर चूज कर लो। जिंदगी में आप कितना भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन दोस्तों टैलेंट और इंटेलिजेंट से भी ऊपर जो ओरा होता है वो गुरु का होता है। मेरी बातों को समझना। आज दुनिया में हनुमान जी की पूजा होती है, आप लोग जानते होंगे कि हनुमान जी का जन्म एक बानर के रूप में हुआ था, लेकिन वो सच्चे गुरु भक्त थे। सच्चे गुरु भक्त होने के कारण आज हनुमान की पूजा सारी दुनिया में होती है। तो दोस्तों आप भी जिस तरीके से हनुमान जी ने राम को गुरु माना था, प्रभु राम को गुरु माना था, आपको भी जिस भी अपलाइन ने ज्वाइन किया आप उसे अपना गुरु मानिए, और जो भी बोलता है आप उसकी बातों को फॉलो करते जाइए। मैं दावा देता हूं कि जिस तरीके से आज दुनिया में भगवान हनुमान की पूजा होती है, आगे आने वाले आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे आगे आने वाली 10 पीढ़ी हो, 15 पीढ़ी हो, जब आप यहां पर एक बड़े अचीवर बनेंगे और आपकी वजह से आगे आने वाली 10 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां खुशहाल की जिंदगी जिएगी, तो दोस्तों जिस तरीके से हनुमान जी की पूजा करते हैं, आगे आने वाली 15 पीढ़ियों में आपकी पूजा होगी दोस्तों, गारंटी। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में आप काम करना, कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. और दोस्तों आप स्ट्रगल से पीछे मत भागना, संघर्ष से पीछे मत भागना। कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा कामयाबी लिया है, कोई भी व्यक्ति बड़ा सक्सेस लिया है, आपने यहां पर देखा अमित दुबे सर को, आपने यहां देखा अवधेश नारायण जी को, जितेंद्र मौर्या जी, परलो पांडे जी। मैं देखा था कि जब हम लोगों ने बनारस मिक्स काम का शुरुआत किया तो सबसे बड़ी आपके जो फ्रंट लाइन के लीडर है, इनकी जो ताकत है वो इनका मेहनत, वो इनका सैक्रिफाइस। हम लोगों ने क्या किया यहां तक पहुंचने के लिए? हम लोगों ने आज बनारस में मीटिंग करते थे, अगले दिन हम फ्लाइट पकड़ते थे, बेंगलोर चले जाते थे, अगले दिन हम फ्लाइट पकड़ते थे, हम दिल्ली आ जाते थे। यानी हम लोगों ने एक एक महीना तक घर का चारपाई नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस इंडस्ट्रीज में बड़ी कामयाबी लेना है तो हमें एवरेज नहीं, हमें टॉपर करना पड़ेगा। आपको एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दुनिया में कभी भी एवरेज लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं,
ये बात को आपको समझना जरूरी है। एवरेज लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जबकि एवरेज व्यक्ति मेहनत भी करता है। सपोज कीजिए वो यहां से 15 साल काम करेगा, एवरेज साल में डायमंड बनेगा। लेकिन एक दूसरा लीडर की बात किया जाए जो 3 साल दिन रात एक करेगा और 3 साल में डायमंड बनेगा। जो व्यक्ति 3 साल में डायमंड बना, अगले 15 साल में रॉयल इन्वेस्टर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? वो ब्रांड इन्वेस्टर होगा। और जो व्यक्ति 15 साल में एवरेज वर्क किया, जो डायमंड बना, हो सकता है इस जन्म में भी ब्रांड एम्बेसडर ना बने। मेरी बात समझ आ रही है? तो हर फाइटर हार्ड सैक्रिफाइस कर, घर छोड़ना पड़े छोड़ दो, परिवार छोड़ना पड़े छोड़ दो, हर सुकून छोड़ना पड़े छोड़ दो। लेकिन दोस्तों अगले 5 साल दिन रात एक करो, लेकिन एक कसम खाओ कि आज मैं बाइक से काम कर रहा हूं, अगले 5 साल में मैं मर्सिडीज लूंगा, अगले 5 साल में मैं करोड़पति बनूंगा। मेरी बात समझ आ रही फाइटर्स? हार्ड सैक्रिफाइस करे, हार्ड स्ट्रगल करे। हमारे सक्सेस का राज भी यही है कि हमने ना घर देखा, न परिवार देखा, न समाज देखा, एक ही चीज किया, दिन रात AWPA। और दोस्तों आज उसका नतीजा है कि हमने भी एक आर्मी बैकग्राउंड से अपने सफर का शुरुआत किया था, अकेला स्टार्ट किया, आज 20 लाख लोगों का कारवा काम करता है। और जो व्यक्ति पूरी लाइफ जॉब करने के बाद फाइटर्स, हो सकता था 20-30 लाख का घर बनाता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, AWPA का पावर है कि जो आदमी 20 लाख के घर के लिए सोचता था, आज AWPA की वजह से इसी दिल्ली में 10 करोड़ का घर लिया, 5 स्टार से भी बेटर घर है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, ये पावर है AWPA की। और दोस्तों अगर आज 7 साल में इतना बड़ा काम हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चैलेंज है हमारा, आप देखते रहना। जब स्टार्ट किए थे उस समय बोले थे कि SLPS को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, और आज AWPL इंडिया की 30वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। और अमित दुबे सर ने बोला था कि, और एक बात पहले दिन से बोल रहे हैं कि जब 31 दिसंबर 2025 का सूरज ढलेगा, तो चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन SLPS को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, एक कमिटमेंट है। और दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि ऑडी BMW मर्सिडीज का सैलाब लगाएंगे, वो दिन भी आएगा AWPL में। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इसी सब के साथ आज अपने स्पीच को विराम देता हूं। आप सभी AWPL फाइटर्स का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड।